जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बात करेंगे प्रतिदिन तरह आज की अपडेट की, और जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनकी। आज काफी सारे कोर्सेज का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस किस कोर्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। फिर सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो साथियों, बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं अपने प्राइवेट के फॉर्म को लेकर, काफी ज्यादा कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि प्राइवेट के फॉर्म कब आएंगे। तो साथियों, प्राइवेट के फॉर्म के बारे में पहले भी बता चुका हूं, सीसीएस यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी करके बता दिया है जो प्राइवेट के आपके फॉर्म हैं वो आपके जनवरी में आएंगे। यानी कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, प्राइवेट के फॉर्म इस बार आएंगे, चाहे वो आपको फर्स्ट ईयर में भरना है, सेकेंड ईयर में, या आपका फाइनल ईयर है। तो आप परेशान ना होइए, आपके जो प्राइवेट के फॉर्म है जनवरी में आने वाले हैं। इससे आगे बच्चे पूछ रहे हैं काफी ज्यादा स्पेशल के फॉर्म के बारे में, कि स्पेशल के फॉर्म कब से आने वाले हैं। तो साथियों, सीसीएस यूनिवर्सिटी ने जैसे कि बताया था कि स्पेशल के फॉर्म 10 नवंबर के आसपास में आएंगे, यानी कि 10 नवंबर के आसपास में आपके स्पेशल के फॉर्म आ जाएंगे, तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे पूछ रहे हैं कि स्पेशल के फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं। तो साथियों, जिन बच्चों का जो सेमेस्टर मोड कोर्स है, तो अगर उनका कोर्स कंप्लीट हो गया है तो वो भर सकते हैं। यदि आपका एनुअल है और आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तो आप भी अपना स्पेशल के फॉर्म भर सकते हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं साथियों, बच्चे पूछ रहे हैं कि ओपन मेरिट के एडमिशन कब तक होंगे। तो साथियों, पीजी की जो ओपन मेरिट लिस्ट है, पहली ओपन मेरिट लिस्ट के आज से एडमिशन होने वाले हैं। आज से आपके जो एडमिशन होंगे और वो आपके 9 तारीख तक एडमिशन चलने वाले हैं पहली ओपन मेरिट लिस्ट के। बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सर पीजी के लिए पोर्टल एक बार फिर से ओपन होगा। तो साथियों, जो चांसेस हैं वो आपके 50-50 के, पोर्टल ओपन भी किया जा सकता है और नहीं भी। ओपन होने के चांसेस इसलिए ज्यादा है कि काफी सारे जो कोर्सेज का रिजल्ट तब आया था जब आपका पोर्टल बंद हो चुका था। कहते हैं साथियों रिजल्ट के बारे में, तो साथियों जो रिजल्ट है आपका बीए का थर्ड ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, जिन कॉलेजों का रिजल्ट रह चुका था। तो यानी कि जिन कॉलेजों का रिजल्ट पेंडिंग था उन कॉलेजों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपका बीए बीएड है उसके आपके थर्ड और फोर्थ ईयर का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है, वो भी आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो बीएलएड आपका फोर्थ ईयर है उसका भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। इसमें काफी सारे कॉलेजों का रिजल्ट अभी शो नहीं होगा, जिन कॉलेजों के प्रैक्टिकल के मार्क्स सबमिट नहीं हुए थे। मैक्सिमम कॉलेजों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, कुछ ही कॉलेज हैं जिनका रिजल्ट रोका गया है, जिन कॉलेजों के प्रैक्टिकल और वाइवा के मार्क्स सबमिट नहीं हुए हैं। इसके अलावा भी जो आपका बीएससी माइक्रोबायोलॉजी है उनके भी थर्ड ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। एमपीएड जो आपका सेकेंड ईयर है उसका भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, सेकेंड ईयर और फोर्थ सेमेस्टर का। एमएड का भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का है, तो वो आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, साथ के साथ जो आप मेरा फेसबुक पेज है उस पर भी मैं आपका एजुकेशनल अपडेट और वो आपको डालता रहता हूं, तो उसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरीके के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।